नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले खास खबरों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और ताजा खबरों की। देश की राजधानी में जहरीली हवा में सांस ले रहे लोग, दिल्ली में आज सुबह भी प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में AQI सबसे ज्यादा 445 तक पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के जामताड़ा में की चुनावी सभा। उन्होंने कहा, हमारे बनाए कॉलेज में पढ़कर आज हमसे ही पूछते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। पंजाब के सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा, वर्किंग कमेटी को सौंपा। 3 देशों के दौरे पर रवाना हुए PM मोदी, ब्राजील में कर सकते हैं जिनपिंग से मुलाकात। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ भीषण सड़क हादसा, ओवरटेक करते हुए क्रेटा ने ऑटो को मारी टक्कर, दुल्हा दुल्हन समेत 7 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को NICU वार्ड में आग लगने से 10 नवजात की हुई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दुख प्रकट। बात करें सोने चांदी की, तो इस हफ्ते सोने चांदी में रही गिरावट। सोना 3643 रुपये गिरकर 73739 रुपये पर आया, तो वही चांदी 87103 रुपये प्रति किलो बिकी। ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों की। हरियाणा में पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को अब मिलेगा उनका हक। हरियाणा सरकार विधानसभा सत्र में पेश करेगी अध्यादेश। दरअसल हरियाणा के बड़े छोटे अन्नदाता वे भूमिहीन किसान जो अपनी खेती पट्टे यानी ठेके पे देते हैं, राज्य में यह एक प्रमाणित प्रथा है। पट्टा कर्ता अक्सर 2 साल बाद पट्टेदार बदल देता है। उसे डर रहता है कि कहीं पट्टेदार उसकी जमीन पर कब्जा ना कर ले, इसलिए वे कई बार जमीन को बंजर भी रखता है। लेकिन पट्टे पर खेती करने वाले छोटे व भूमिहीन किसानों को अब उन्हें अपना हक मिल सकेगा। उन्हें मुआवजा व फसल ऋण संबंधी सभी सुविधाएं भी मिलेंगी। इसके लिए हरियाणा सरकार इसी विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक पेश करेगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल होगा और पट्टा कर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी। सरकार इस पर काफी दिनों से काम कर रही है। कई बैठकों के बाद सरकार ने अब इसे अंतिम रूप दे दिया है। इससे राज्य के कई लाख छोटे किसानों को काफी बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के झज्जर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की पत्र वार्ता के दौरान जुबान फिसल गई। दरअसल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने देश में गरीबों की संख्या कम होने कहने के बजाय देश से गरीबों की संख्या बढ़े, इस प्रकार के प्रयास हमारी सरकार के जारी रहेंगे, ये शब्द बोल दिए। इससे पहले बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पारदर्शी से रोजगार दे रही है। जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है, चाहे मुद्रा लोन देकर या बिना खर्ची पर्ची रोजगार देकर गरीब उत्थान में सरकार ने काम किया है। आपको बता दें कि बडोली शनिवार को सिंचाई विभाग के रेस्ट हाउस में पत्रवार्ता को संबोधित कर रहे थे। वे पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच आए थे। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा में खाद की किल्लत को लेकर पूछे गए सवाल पर बडोली ने कहा कि ये विपक्ष का भ्रामक प्रचार है। किसान के लिए प्रदेश में कहीं भी खाद की कमी नहीं है, किसानों को आसानी से खाद भी मिल रहा है और बुआई भी जारी है। हरियाणा में लगातार 5वें दिन स्मॉग की वजह से आमजन को परेशानी झेलनी पड़ी। आपको बता दें कि शुक्रवार को हरियाणा के 8 समेत देश के 22 शहरों की हवा ज्यादा खराब श्रेणी में रही। वहीं 396 वायु गुणवत्ता AQI के साथ देश में दिल्ली और हरियाणा में भिवानी में सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा। दरअसल भिवानी में AQI 365 पहुंच गया। साथ में ये भी बताते चले कि मौसम विभाग ने आज 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जिंद, भिवानी में स्मॉग का अलर्ट जारी रहा। अगली खबर हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP 3 के नियमों की सख्ती से पालन करने के लिए DC विक्रम सिंह ने प्रदूषण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि बढ़ता हुआ प्रदूषण हम सबके लिए चिंता का विषय है, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण नियंत्रण को लेकर ग्रैप नियमों की सख्ती से पालना करना बेहद जरूरी है। दरअसल डीसी ने केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CXUM की ओर से फरीदाबाद सहित NCR क्षेत्र में लागू किए गए ग्रैप 3 के तहत संबंधित विभागों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सभी जिलावासी वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने वाले उपायों में सक्रिय रूप से भागीदार बने। जिला में ग्रैप 3 की पाबंदी लागू हो गई है, जिसके लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण उपायों को पूरी तरह से गंभीरता से अपनाना होगा। डीसी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहरी निकायों SSISDC सहित अन्य संबंधित विभाग देशों को कड़े निर्देश दिए, जिले में बढ़ते प्रदूषण स्तर को नियंत्रण करने के लिए सख्त कदम उठाएं। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।